तो देखिए, एक लंबी बातचीत करीब 2 मिनट की तामलुक के बीजेपी अध्यक्ष प्रणय पाल और ममता बनर्जी, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की आवाज़ है, उन दोनों के बीच हुई और ममता बनर्जी ने मदद मांगी प्रणय पाल से। प्रणय पाल ने उनको मना कर दिया। मैं गौतम लाहिड़ी के पास सीधे जाऊंगा। गौतम दादा जरा समझाइए, आपने बंगाली में सुना इस पूरी बातचीत को। जहां मुझे समझ में आया वो कह रही है कि मैं क्या करूं नंदीग्राम में, तो लोकल लीडरशिप ज्यादा हावी थी, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए काम मैं नहीं कर पा रही थी। ये क्या सर, हमारे दर्शकों को जरा हिंदी में इसका सार समझा दीजिए जरा जल्दी से, क्या बातचीत है? बात यह है कि जिस कारण से तृणमूल छोड़ के बाकी लोग बीजेपी जा रहे हैं, उसका कारण वो बता रहे हैं। ममता बनर्जी उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बार सोच के देखो, जो हुआ था मैं जानता हूँ, सब जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अभी जो है, तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो वो तो भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं, उनके लिए क्यों काम कर रहे हो? तो इनका कहना है कि दीदी, आपने जब हम सीपीएम हमारा ऊपर टॉर्चर किया था, तो ये अधिकारी परिवार हमको शेल्टर दिया था। हमारा पिताजी के साथ शिशिर अधिकारी का बहुत गहरा संपर्क है, इसलिए अभी जब मदद नहीं मिला तृणमूल कांग्रेस से, तो इसीलिए हम अभी कोई चारा नहीं रहा, अभी हमको क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूं। ममता ने कहा कि जो लोग वो लोग हमको नंदीग्राम जाने बाधा देते थे, जाने नहीं देते थे, इसलिए हम तुम्हारा खबर नहीं ले पाया। अभी फिर से सोचो कि तुम फिर हमारे साथ काम करते नहीं, तो गौतम दा, ये जो बातचीत आप बता रहे तो बहुत सनसनीखेज है। ये तो साफ दिखा रहा है कि ममता बनर्जी अगर है तो वो डरी हुई है कि नंदीग्राम कहीं हार ना जाए। पता है हारेंगे कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन बात है कि ममता बनर्जी जो बीजेपी में चले गए जो तृणमूल से, उनको वापस लाने का एक कोशिश। मैं आपको रोकूंगा दादा, मेरे साथ इस वक्त रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में। रविशंकर, बहुत सनसनीखेज ऑडियो टेप बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है और साफ वो कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी हैं जिन्होंने फोन कॉल किया तामलुक के बीजेपी अध्यक्ष प्रणय पाल को और उनसे चुनावों में मदद मांगी, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, अभी मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको दे देता हूं। तृणमूल ने ये फोन कॉल के बारे में संदेह जताया है। उनका ये कहना है कि एक हफ्ते के अंदर जहां नंदीग्राम में चुनाव है, वहां इस टाइम पे ये ऑडियो क्लिप को क्यों रिलीज कर दिया गया? ऐसा क्यों है कि आज जब चुनाव हो रहा है तब क्यों ऑडियो क्लिप को रिलीज किया जा रहा है? इसको लेके अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है। तृणमूल का ये कहना है कि ये ममता बनर्जी का वॉइस है कि नहीं है, इसका कोई पुष्टिकरण नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो वॉइस ऑडियो क्लिप सुना जा रहा है, आवाज सुन के ये लग रहा है ममता बनर्जी का है, और उधर प्रणय पाल है। अब प्रणय पाल जो है वो साफ साफ ये कह रहा है कि मैं जिस पार्टी में हूँ उसके साथ मैं बिट्रे नहीं कर सकता, आपके दल में मैं था लेकिन मुझे कास्ट सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था, और जो शुभेंदु अधिकारी शिशिर अधिकारी का जो परिवार थे वो हमको तब हेल्प किया था जब हम सीपीएम से लेफ्ट से मार खा रहे थे, हम कोई पार्टी छोड़ के नहीं जा मतलब सकते। साफ है यहाँ पर, ममता ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से चुनाव में मदद मांगी और उसने पुरानी चीजों का हवाला देते हुए उनको मुंह पे मना कर दिया, अगर बीजेपी का ये दावा सही है तो। अनिर्बान बनर्जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी के बारे में इनसे बात करेंगे और मेरे साथ बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह है, उनसे बात करेंगे। पहले अनिर्बान बनर्जी, आपका रिएक्शन, ये तो बहुत सनसनीखेज यहाँ पर ये दावा है, और जैसा कि हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता बता रहे हैं, टीएमसी ने इस पूरे मामले को खारिज किया है और बीजेपी की साजिश बताया है। रविशंकर, मैं सही कह रहा हूँ? अभी तक ऐसा ही मान के चल रहा है टीएमसी के इसका इस टाइम पे रिलीज होना, जिस टाइम पे अभी रिलीज हुआ है ये ऑडियो, ये टाइम को लेकर वो प्रश्न उठा रहा है, और उसका बाद उनका ये कहना ये एट ऑल ममता बनर्जी का वॉइस है कि नहीं, इसका पुष्टिकरण अभी तक नहीं है। चलिए, तो ये अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आवाज ममता बनर्जी के नहीं, ये टीएमसी कह रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।